अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया करता था सुबह और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या खूबसूरत लड़की। सो गाइस, मैं हूँ आसमानों की ऊंचाइयों में, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी सार्थक व्लॉग। सो कैसे आप लोग? मैं एकदम हर बार की तरह एकदम मस्त। एंड आज हम लोग जाने वाले रॉक गार्डन। एंड आज भैया के साथ, एंड हाँ थोड़ा मैं लेट व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा लेट हो गया। इस बार मतलब आप लोग को जैसा रांची का वेदर पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जिस दिन भी हम लोग का प्लान बना तीन तीन बार, वो तीनों बार मतलब बारिश ही होगी, तो हम लोग का जा ही नहीं पाए। तो अभी हम लोग जाते हैं, तो अभी चलते मिलते हैं। सो गाइस, आगे जैसे आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का रॉक गार्डन का एंट्री गेट है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ रॉक गार्डन। सो हम लोग रॉक गार्डन तो पहुंच चुके हैं, आप लोग ब्यूटीफुल लाइट्स अभी देख ही रहोगे। एंड अभी और आगे चलते हैं, आप लोग को और भी बहुत कुछ दिखाते हैं। मेरी तो वहाँ पे हालत, मतलब जो भी स्लाइड कर रहा था मैं उधर से, मेरी हालत खराब हुई क्योंकि जो नॉर्मल स्लाइडर्स होते हैं उसमें बहुत मतलब थोड़ा छोटा रहता है उसका, बट वो बहुत बड़ा था। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ फोटोज ले रहे हैं, मतलब ये एरिया थोड़ा अच्छा है ना, तो भैया फोटो ले रहे हैं एंड दो फोन से भैया फोटो ले रहे हैं, मैं फोटो ले रहा हूँ, दीदी थोड़ा आगे वो अपना ही फोटो थोड़ा सेल्फीज ले रही है दीदी। सो वहाँ पे सब पीछे तो भैया दीदी व्लॉग्स मतलब आई मीन सॉरी फोटोज ले रही थी अपने, तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे घूम रहा हूँ एंड देख रहा हूँ यहाँ पे और क्या क्या यूनिक यूनिक चीज़ें। मतलब मेरे को लगा था कि थोड़ा छोटा होगा, बट ये बहुत बड़ा पार्क या गार्डन जो भी आप लोग बोलो ये है। सो मेरे को यहाँ पे पीछे जो आप लोग फाउंटेन या पुल जो भी आप लोग बोल रहे हो, मेरे को वहाँ पे जाना है, बट ये भैया क्या करे मतलब मेरे को जाने ही नहीं दे रहे। चलो जल्दी चलो। ओके, तो अभी दीदी कुछ वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने पानी लिया वहाँ पे कुछ बोला था दीदी ने, तो वहाँ पे हंसने लगे। दीदी बता दो वहाँ पे क्या बोला था तुमने? बोले कि चेंज नहीं है, चेंज लेके आई, हम वहीं पे रुके रहे, फिर लास्टली वो हम लोग वहाँ पे पूरा घूम रहे थे, फिर चेंज मंगवाए और पानी का बोतल फाइनली ले लिए। तो यहाँ बहुत बदमाशी करे चेंज का, तो आप लोग बिल्कुल चेंज लेके आइएगा नेक्स्ट टाइम। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब यहाँ पे कोई चेंज दे ही नहीं रहा, भैया भी गया नहीं मिला, दीदी क्या दीदी वहाँ पे रखी बैठी हुई रही, जब तक चेंज दो तब जाके मिला है। तो हम लोग यहाँ पे वापस से आ चुके क्योंकि पिछले बार आए थे तो मैं आया तो फोटोज नहीं ले पाया था, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े आके फोटोज भी ले लेते हैं। फाइनली यहाँ पे जो मतलब थोड़ा रश कम हुआ, यहाँ पे बहुत लोग फोटोज ले रहे थे, तो अभी यहाँ पे थोड़े कम लोग हो गए, तो इस टाइप का यहाँ पे ब्रिज है, तो अभी हम लोग तो वापस जाएंगे। मैं जाता हूँ, आगे चले गए तुम लोग। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, इतना बड़ा जगह कहीं पर भी घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं और घूमे जा रहे हैं। चलो वापस, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया करता था सुबह और अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था। क्या क्या खूबसूरत लड़की, कौन थी वो लड़की, क्या क्या बोल रही है दीदी, बता ही दो भैया कौन थी वो लड़की। चंदन भैया So guys, मैं हूँ आसमानों की ऊंचाइयों में, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, बहुत ज्यादा ही ऊंचे हैं वैसे। मतलब यहाँ पे कोई स्लेप वगैरह कुछ भी बोलो, मैं यहाँ पे बहुत ऊपर आ गया हूँ। एक सेकंड, मैं कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ था, बहुत ऊंचा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ऊंचाइयों में हूँ। हम लोग पहाड़ों की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा यहाँ पे कोहरा भी कम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही नीचे, शायद मैं अभी कैमरा ऑन नहीं रख पाऊंगा, मैं गिर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो अभी यहाँ पे जेसीपी के बगल में आकर के हम लोग खड़े हो चुके हैं। एंड दीदी ये आधे घंटे से कम ये फूल लेके घूमे जा रहे, दिखाओ तो, इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया है, आधे घंटे से कम ये फूल को लेके ऐसे घूमे जा रही है। ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर। ये स्विमिंग पूल है, मैं इसके ऊपर अभी तैरने वाला।
सो ये स्विमिंग पूल है बट यहाँ पे पता नहीं क्यों बट ये पानी यहाँ पे भी है ही नहीं। दीदी भागे जाती है, रेस लगाओगी? रेस लगाते हैं। तो यहाँ पे पापा कॉल पे हैं और भैया मतलब बात यहाँ पे हो रहा है कि ध्रुवा यहाँ पे जो एक मेला भी लगा हुआ है तो वहाँ पे पापा बोल रहे जाने के लिए हम लोग को। पागल है मैं भैया का फेस देखो लगता है भैया किसी को मिस कर रहे हैं। मुझे पता बहुत फेस देखो भैया का बहुत गाइस गणेश झूठ बोल रहा है। ये देखिए मेरा नया फोन। हाँ भैया का ये 5000 व्यूज वाला फोन। ये फोन देखिए, इसी फोन से आपको 5000 व्यूज गया था। हाँ बाकी फोन है ये मेरा 17 सब्सक्राइबर बड़ा था वो अभी बड़ा है अभी तो पता चलेगा आप लोग को। बोटिंग का तो प्लान कैंसिल हो गया, सब बना कर रहे दीदी का बहन क्यों बोल रही है मेरे को डर लग रहा है। एंड अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं, घूम लिया बस हम लोग को, भूख लग रहा है। दीदी यहाँ पे बल्ले बल्ले कर रही है। सो अब ब्लॉग का एंड करते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। सबको मिल करके आइसक्रीम खा रहे, मतलब मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई नहीं, मैं दीदी का भी दीदी अभी ले रही, डिसाइड करी कौन सा लेना है। एंड भैया ने ले लिया, मेरा तो खत्म भी हो गया, मैंने खा भी लिया।